जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ घर पे ही देसी जुगाड़ के जैसे चेस्ट वर्कआउट के लिए। ये वर्कआउट आप लोग घर पे ही कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। मेल हो या फीमेल हो, 10 तरीके का चेस्ट वर्कआउट बताऊंगा जो आप लोग घर पे ही अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और पहली वाली वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी, ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो पे। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ये चीज कर रहे हैं तो आप लोग को प्रॉपर पर डे 20-20 रेप का 200 मारना पड़ेगा। मतलब कि हर एक सेट का हर एक रेप अलग अलग होगा। माने आप लोग 20 रेप नॉर्मल पुशअप किए, 20 रेप वाइल्ड पुशअप किए, ऐसे ऐसे किए, इन लोग का तीन तीन सेट। जैसे आप लोग नॉर्मल पुशअप किए 3 सेट का, उसके बाद वाइल्ड पुशअप किए 3 सेट का, ऐसे ऐसे आप लोग को पुशअप का 3 सेट मारना पड़ेगा। 20 कीजिए, 10 कीजिए, अगर आप लोग बिगिनर है तो 10 कीजिए, अगर आप लोग प्रो है तो 20 कीजिए, 30 कीजिए, 40 कीजिए, ऐसे कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा विदाउट स्किप किए, ठीक है। चलिए चलते हैं तब वर्कआउट पे। और बताना चाहते हैं कि घर पे ही आप लोग अच्छी तरीके से चेस्ट वर्कआउट बिंदास कर सकते हैं, ये देसी जुगाड़ के जैसा है। आप लोग जो बिगिनर है, पहला पुशअप मैं बता देता हूँ कैसे करें। नॉर्मल पुशअप है, ठीक है। पैर ये रख रहे, फीमेल हो या फिर मेल हो, पैर ये रख के, पैर का पोजिशन हाथ ये इधर रख के, बॉडी को ये आगे लेके, डाउन अप डाउन अप, ये आप लोग को 10-10-20-20 करना पड़ेगा एक रेप में। 3 सेट इसका करना है। और जो प्रो है वो पैर उठा के बॉडी आगे लेके आके, डाउन अप, ठीक है। और जो दूसरा है चेस्ट की वर्कआउट, वो सेकेंड ये है, आप लोग को वाइड पुशअप करना है जिससे आप लोग का थोड़ा फैलेगा और क्लोज भी लेके आएंगे, ठीक है। उसके लिए आप लोग को क्या करना है, वाइड पुशअप के लिए आप लोग को हाथ चौड़ा करना है, जो बिगिनर है उसके लिए ये बॉडी को आगे डाउन अप। और जो प्रो है, प्रो के लिए वाइड पुशअप सबसे सिंपल ही होता है उन लोग के लिए, ये 1-2, ठीक है। वाइड पुशअप हो गया, 2 पुशअप हो गया, उसके बाद आ गया है 3rd पुशअप, जो आप लोग को क्लोज पुशअप बोला जाता है, ठीक है। ये जैसे एक तरफ से हनुमान पुशअप भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हाथ ऐसे नॉर्मल रख लेना है, हाथ की दूरी मैक्सिमम 1 बित्ता होना चाहिए मैक्सिमम। तीसरा पुशअप बताने जा रहा हूं, ठीक है। बॉडी को अप कर ले, क्लोज लेके आए, डाउन फिर अप फिर डाउन, ठीक है। और प्रो वाले के ये, अब बिगिनर वाले के लिए ये, और प्रो वाले के लिए ये। जैसे जैसे बिगिनर वाले का चेंज होता रहेगा वैसे वैसे प्रो में डेवलप होते रहेंगे सब, ठीक है। ये हनुमान पुशअप। और 4th पुशअप है साइड टू साइड पुशअप, ठीक है। साइड टू साइड पुशअप करने के लिए आप लोग को हाथ वैसे ही क्लोज रखना है, बट जो बिगिनर है उसके लिए मैं बता रहा हूं, आप लोग पैर वैसे ही रखे। शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, पैर आप लोग ऐसे ही रखे, हाथ क्लोजिंग में रखे, ठीक है। डाउन हो फिर अप फिर डाउन फिर अप, साइड रखना है हाथ, फिर डाउन फिर अप। और यही प्रो वाले के लिए, मतलब कि आप लोग को 20-20 रेप करना है हर चीज का, ठीक है। प्रो वालों के लिए हाथ ये रखा, डाउन अप, ठीक है। हाथ को साइड टू साइड डाउन अप रख के फिर साइड रखना है, ठीक है। इतना बात ध्यान रखिएगा। ये हो गया 4th पुशअप। 5वां हो गया डायमंड पुशअप। करने के लिए आप लोग को बहुत सिंपल ही है। डायमंड पुशअप के लिए आप लोग का हाथ ऐसे रहेगा ये चीज, और पैर ऐसे। जो बिगनर है, बिगनर के लिए बता रहा हूं और प्रो के लिए भी बता रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। बिगनर वालों के लिए ये डायमंड पुशअप से क्या होता है, आप लोग का जो चेस्ट है
ओज आता है, ठीक है, ओज आता है, फीमेल मेल दोनों दोनों अच्छे तरीके सुन ले, वो क्लोज आता है। और इसके बाद आता है, थोड़ा मुश्किल है बट आई थिंक आप लोग कर लेंगे वो चीज, ठीक है, बिगिनर के लिए पैर रख के आप लोग को बस जंप करना है, जैसे 1 2 3, ठीक है। और प्रो वालों के लिए ये, ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। और उसके बाद आप लोग का अलग तरीके का पुशअप जो है, इसके बाद आप लोग रैम पुशअप जो कि साइड पुशअप कर सकते हैं आप लोग बाइसेप के लिए, और चेस्ट भी उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो हाथ को आप लोग को रिवर्स रखना है, रिवर्स पुशअप इसको बोला जाता है, ठीक है, इससे आप लोग को बाइसेप भी कर होता है और चेस्ट भी। ये चीज जो बिगनर है, ठीक है, और जो प्रो है टैप करके, ठीक है। उसके बाद आता है क्रॉल पुशअप, जो बिगिनर वालों के लिए हाथ एकदम साइड में रखना है, साइड में ऐसे करके रखना है चौड़ा करके, ठीक है, ये डाउन जाना है अप, ये डाउन जाना है ये अप, ठीक है। और प्रो वालों के लिए आप लोगों को तो पता ही है, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। ये हो गया सातवां। उसके बाद आ गया नकल पुशअप, बट नकल पुशअप करने से पहले आप लोग को पंच पुशअप करना पड़ेगा, जो कि ऐसे हाथ ऐसे, और ध्यान दीजिएगा जब भी हाथ आप लोग रखिए इसके और इसके ऊपर प्रेशर थे, ठीक है। ये आप लोग ने हाथ रखा, जो बिगिनर है उसके लिए ये 1 2, और जो प्रो है उसके लिए हाथ ये रहेगा, आप लोग को 20-20 मारना है, मैक्सिमम 200। बिगिनर के लिए 100 बता दे रहा हूँ, 10-10 मार लेना आप लोग, बट उसके लिए प्रो के लिए 20-20 इनफ है, ठीक है। उसके बाद आता है नकल, जो कि आप लोग को हाथ को बस कर्ल कर लेना है, नॉर्मल जो बिगिनर है उसके लिए ये, और जो प्रो है उसके लिए ये, ठीक है। ये हो गया आठवां। उसके बाद आता है नौवां पुशअप। नौवां पुशअप में आप लोग को फिंगरिंग पुशअप करना है, फिंगर पुशअप, फिंगरिंग नहीं, फिंगर पुशअप, जो पांचों उंगली की में रख के करना है ये ऐसे। जो बिगिनर रहेंगे ये बॉडी को ये 1 2, और जो प्रो रहेंगे उनके लिए भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप लोग को 20-20 करना है, मैं आप लोग को करके बस दिखा रहा हूँ, बट आप लोग को 20-20 करना है, ठीक है। ये हाथ रख के, ठीक है, आप लोग का चेस्ट प्रॉपर शेप में आएगा, ठीक है। और लास्ट वाला है क्लैप पुशअप, जो बहुत हार्ड है एक तरफ से, बट आप लोग कर सकते हैं, मुझे लगता है आप लोग कर सकते हैं। तो बिगिनर वालों के लिए मैं थोड़ा स्लाइड होऊंगा, थोड़ा पिसने वाला टाइस है इसलिए ये देख रहे हैं ऐसे करना है। और प्रो वालों के लिए सिंपल है, ठीक है, इसके लिए थोड़ा पावर लगता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? हाँ, बट आप लोग ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग शुरू शुरू में 10-10 करें, ठीक है, उसके बाद आप लोग 20-20 कर सकते हैं, जिससे आप लोग का प्रॉपर जो चेस्ट है प्रॉपर एकदम शेप में आ जाए। उसके लिए शेप में लाने के लिए आप लोग को पर डे, आप लोग एक ही दिन कीजिएगा तो आप लोग का चेस्ट एकदम प्रॉपर शेप में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दबा दिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।